साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, युआन सांग हमारे देश में 7वीं सदी में आए थे। युआन सांग ये चीनी यात्री थे और उनको बुद्धिज्म का स्टडी करना था, और बुद्धा जिस भूमि में जन्मे और उनकी शिक्षा जहाँ से दुनिया में फैली, उस भूमि का उनको दर्शन करना था, वहाँ की बातें सीखनी थी, वहाँ का ज्ञान लेना था। तो वो भारत में लगभग 17 साल की एक जर्नी पर निकल गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर विजिट किया, वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाली और अपनी किताब में उन्होंने वो लिखी है। और अपने साथ काफ़ी सारा सामान, ज्ञान का भंडार वो अपने साथ लेके गए। चाइना में उसका ट्रांसलेशन हुआ और वो आज भी मौजूद है। तो ऐसी एक किताब है, चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा का विवरण, युआन सांग की किताब है। सम्यक प्रकाशन दिल्ली की ये किताब है। तो ऐसी ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब उन्होंने मथुरा को विजिट किया था, मथुरा राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी और मथुरा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले हमारे सही इतिहास के बारे में, जो उस वक्त फॉरेन विजिटर्स ने उसकी नोट किया था और वो हमें आज भी उपलब्ध है। तो इससे हमें उस वक्त की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो मिलती है। तो सुनिएगा। तो युआन सांग जब अपनी यात्रा पर थे, तो अलग अलग जगह पर वो विजिट कर रहे थे, वहाँ का जनजीवन देख रहे थे, वहाँ की मान्यताएं सुन रहे थे लोगों से, और उनका सबका एक नोट अपने नोटबुक में कर रहे थे। नोटबुक तो क्या होती थी, ताड़ के पत्ते या किसी पेड़ की जो बार्क होती है उसके ऊपर वो लिखते थे और उसी के पन्ने बनते थे। तो उसमें वो एक एक गांव की इन्फॉर्मेशन, राज्य की, वहाँ के राजा, वहाँ के लोगों की मान्यता, कौन से पंथ के है, कौन से धर्म में विश्वास करते हैं, वहाँ के क्या क्या कथाएँ प्रचलित है, और उनके क्या क्या रहन सहन के जो डिटेल्स है वो उनको नोट करते थे। तो वो ऐसे ही समय में मध्य भारत में, उस वक्त भारत नहीं हुआ करता था, ये जम्बू द्वीप था और उसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता था। तो परियात्र नाम के राज्य से वो गुजरते हुए पूर्व में बढ़ते हुए 500 ली चलने पर वो मथुरा राज्य में आ गए। तो यह राज्य मध्य देश में स्थित था, और ये ली जो है साथियों, इसका अंतर ये चाइनीज मेजर होता है, और इसका अलग अलग डिस्टेंस बताया जाता है। आजकल बोलते हैं कि इसका 500 मीटर्स यानी कि हाफ किलोमीटर अंतर है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम ली टू किलोमीटर, ये अलग अलग दिया है। तो मथुरा के बारे में वो लिखते हैं, मथुरा की परिधि कोई 5000 ली थी। तो ये राज्य की बात कर रहे हैं, जबकि राजधानी की परिधि लगभग 20 ली थी। भूमि उर्वर थी, कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था, प्रत्येक घर के आंगन में आम्र वृक्ष पाए जा सकते थे। आम्र की 2 जातियां यहाँ उपलब्ध थी, एक जाति के आम्र छोटे होते थे, पक जाने पर उनके फल हरे से पीले रंग में बदल जाते थे, और दूसरी जाति के आम्र बड़े एवं सदा हरे रहते थे। यहाँ छीट के वस्त्रों और सोने का भी उत्पादन होता था। जलवायु उष्ण थी, लोग दयाशील एवं सभ्य थे, वे कर्म फलों में विश्वास करते थे, नीति दर्शन का पालन करते थे और कलाएं सीखने में उत्साही थे। 20 से अधिक संघाराम में 2000 के लगभग भिक्खु थे। वे महायान और हीनयान दोनों मतों का अध्ययन करते थे। 5 देव मंदिर थे और विधर्मी अव्यवस्थित रूप से बसे हुए थे। तो मैंने पहले भी कहा है, पहले वाले वीडियो में, कि देव मंदिर जो है साथियों, ये जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अलग अलग जो ट्रेडिशंस थी, उनके जो अरहंत हो जाते थे या ऊपर वाली अवस्थाएं प्राप्त करते थे, उन लोगों को देव देवी कहा जाता था, और उनके मर जाने के बाद, उनका परिनिर्वाण होने के बाद, उनके मंदिर प्रतिमा और मूर्तियों के रूप में बनाए दिए जाते थे, उनका पूजन भी होता था। तो वो देव मंदिर थे। ये देव मंदिर
सिर्फ ब्राह्मण पंथ के नहीं हुआ करते थे, और 7वीं सदी में जब युआन सांग आए थे तब ब्राह्मण पंथ इतना ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, तब बुद्धिस्ट ही पंथ था और उसके अलग अलग जो शाखाएं थी वो बनी हुई थी। तो यहाँ पर वो आगे नोट करते हैं मेनली शाक्य के शिष्यों के संबंधी कुछ अवशेष, उपगुप्त संबंधी अवशेष, और भगवान बुद्ध के लाइफ टाइम में वो जब जंगल में रहे थे वर्षावास के समय, वहाँ पर एक वानर ने उनको मद शहद दिया था, तो उसके संदर्भ में जो अवशेष है इनका उन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि ये प्रोमिनेंट वहाँ की चीजें हुआ करती थी मथुरा की 7वीं सदी में जब युआन सांग ने विजिट की थी। तो शाक्य के शिष्यों के संबंधी वो कहते हैं कि यहाँ 3 स्तूप थे, ये सभी सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए थे, 4 पूर्व बुद्धों द्वारा छोड़े गए असंख्य चिन्ह इस एरिया में थे। आज तो हम देखते हैं कि ये स्तूप वहाँ पर मौजूद नहीं है आज के मथुरा में, और पूर्व बुद्धों के ये जो चिन्ह बताते हैं असंख्य चिन्ह जगह जगह पर ये मिल जाते थे, तो वो भी आज मौजूद नहीं है। तथागत के जिन अनेक शिष्यों की अस्थियाँ यहाँ के स्तूपों में सुरक्षित थी उनमें सारिपुत्र, मोगलायन, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, उपाली, आनंद, राहुल और मंजुश्री आदि बोधिसत्व भी सम्मिलित थे। तो इनके स्तूप वहाँ पर मथुरा में थे। प्रतिवर्ष प्रथम 5वें एवं 9वें उपवास महीनों में और प्रत्येक माह के 6 अनाहार दिवसों में भिक्खु अपने निकट मित्रों को साथ लिए चढ़ावा और अमूल्य वस्तुएं ले जाकर अपने अपने निकायों के अनुसार अपने अपने इष्ट बोधिसत्वों की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा करते थे। तो हम यह देखते हैं साथियों कि बुद्ध की शिक्षा जो अलग अलग ब्रांचेस में बट गई वो मॉडिफाई भी हो गई। लोगों ने यहाँ पर उसको अब पाखंड बनाना शुरू कर दिया है कि वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वस्तुएं वो उसको बोधिसत्व के प्रतिमाओं को चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो यह हम देखते हैं कि 2600 साल पहले जो बुद्ध की शिक्षा थी जिसमें ऐसे कोई कर्मकांड मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी, तो वो बुद्धिज्म अब मॉडिफाई हो गया है 7वीं सदी आते आते। तो ये 1300 साल हो गए हैं इसको, ये जो आए थे युआन सांग वो 1300 साल आफ्टर बुद्धा आए हैं। आगे लिखते हैं, अभिधर्म मानने वाले भिक्खु सारिपुत्र की पूजा करते थे, समाधि लगाने वाले भिक्खु मोगलायन की, सूत्रों का पाठ करने वाले भिक्खु पूर्ण मैत्रायणी पुत्र की, विनय का अध्ययन करने वाले भिक्खु उपाली की पूजा करते थे, और जो भिक्खुनिया थी वह आनंद और राहुल श्रामणेर राहुल की पूजा करती थी। तो आनंद ये भाई थे, कजिन थे भगवान बुद्ध के, और राहुल भगवान बुद्ध का लड़का था, तो वो भी अरहंत हो गए थे, उनकी पूजा करती थी भिक्खुनिया। महायानी विभिन्न बोधिसत्वों की पूजा करते थे। उन दिनों सभी स्तूपों में बुद्ध की पूजा में विभिन्न चढ़ावे जुटाने की होड़ सी लग जाती थी। तो आज हम ये देखते हैं कि आज के ब्राह्मण धर्म में जिसे हिंदू धर्म कहता है उसमें भी भगवान की मूर्ति के ऊपर मंदिर को ऐसे डोनेशन देने की होड़ लग जाती है। कोई 1 सोने का गहना देता है तो कोई 2 देता है तो कोई 1 करोड़ देता है, कोई 2 करोड़ देता है। उस वक्त ये प्रथा बुद्धिज्म में शुरू हो गई थी। मोतियों से सजी हुई झड़िया पंक्तियों में फहराई जाती थी, रत्नों से जड़े हुए छत्रों के जोड़े यत्र तत्र खड़े किए जाते थे, धूप बत्तियों से निकलने वाली सुगंधित धूप बादल का रूप धारण कर लेता था, फूलों की वर्षा की जाती थी, सूर्य एवं चंद्रमा ढक जाते थे और घाटियां गूंज उठती थी, राजा महाराजा और उनके मंत्री पुण्य कर्मों में संलग्न हो जाते थे। तो ये हम देखते हैं कि धूप अगरबत्ती ये सारी जो कर्मकांड पाखंड है ये उसी वक्त बुद्धिज्म में ही शुरू हो गया था, और आगे फिर ब्राह्मण पंथ जब डेवलप हुआ ब्राह्मण धर्म तो उसमें भी यही सब उठा लिया गया, और वही मूर्तियाँ आगे जाकर ब्राह्मण धर्म के देवता देवी अवतार ये बन गई, हम अलग अलग सोर्सेस से हमें ये पता चलता है। उपगुप्त संबंधी जो अवशेष है उससे बारे में युआन सांग लिखते हैं, राजधानी से 5-6 ली दूर पूर्व में एक शैल संघाराम स्थित था, चट्टानों को खोदकर कक्ष बनाए गए थे और
संगाराम का प्रवेश द्वार एक संकीर्ण घाटी था। गृहपति उपगुप्त ने यह संगाराम बनवाया था। इसमें तथागत के नख सुरक्षित रखने वाला एक स्तूप भी था। संगाराम के उत्तर में चट्टान में एक शैल गृह था जो कोई 20 छी ऊंचा और 30 छी चौड़ा था। उसमें चार छुन लंबी खपच्चियों का ढेर लगा हुआ था। जब पूजनीय उपगुप्त प्राणियों को सद्धर्म में दीक्षित करते थे तब जो दंपत्ति अर्हंत को प्राप्त कर लेता था वह एक खपच्ची इसमें डाल देता था। यदि दोनों के वंश या जाति अलग अलग होते तो अर्हत्व की प्राप्ति कर लेने पर भी खपच्ची नहीं डाली जाती थी। तो ये एक कर्मकांड वहाँ पर हम देख सकते हैं। अर्हत्व प्राप्त हो करने के बाद ऐसे मान्यता हो गई थी कि ये लोग एक खपच्ची डालते थे और उसमें फिर अलग अलग प्रकार की ये मान्यताएं प्रथाएं शुरू हो गई थी जो ऑफकोर्स शुरू में नहीं होंगी। जब भगवान बुद्ध थे उस वक्त तो ऐसा कोई वर्णन हमें त्रिपिटकों में नहीं मिलता है। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है मथुरा के बारे में जो महत्वपूर्ण है, जब भगवान बुद्ध वर्षावास के समय एक जंगल में रहते थे तो वहाँ पर एक वानर ने उनको खाने के लिए दिया था, एक हाथी ने भी दिया था और उसी की वजह से फिर ये आगे जाकर वानर का महत्व आया और हाथी का भी महत्व आया भगवान बुद्ध की लाइफ में। और उसके अलग अलग अपभ्रंश बाद में हो गए हैं ब्राह्मण पंथ में भी, हम वो देखते हैं। शैल कक्ष से लगभग 25 ली दूर दक्षिण पूर्व में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा तालाब था। उसके निकट एक स्तूप खड़ा था। भूतकाल में जब तथागत इस स्थान से जा रहे थे तब एक वानर ने उन्हें मधु अर्पित किया था। तथागत ने मधु में जल मिलाकर अपने शिष्य को पिला दिया था। वानर प्रसन्नता से बांसों उछल पड़ा किंतु तालाब में गिरकर मर गया। अपने पुण्य कर्म के बल पर उसका मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तो ये ऐसे उस वक्त ये कहानी उस तालाब के बारे में थी, लेकिन ये कहानी त्रिपिटक में भी बताई गई है कि वानर ने उनको मधु अर्पित किया था, मद शहद दिया था। तालाब के निकट वन में चार भूत बुद्ध यानी पूर्व के बुद्ध के संक्रमण के अवशेष थे। उनके समीप उन स्थलों में जहाँ सारिपुत्र और मोगलायन इत्यादि 1,250 महाअरहंत समाधि लगाते थे स्मारक के रूप में स्तूप खड़े किए गए थे। तो इन अलग अलग बोधिसत्व या अरहंत लोगों के याद में उनके स्तूप बने थे वहाँ पर जो उन्होंने देखे युआनसांग ने मथुरा में। अपने जीवन काल में तथागत ने अनेक बार इस राज्य का भ्रमण किया था। मथुरा के राज्य में कई बार भगवान आए थे, उन्होंने उपदेश किया था। जहाँ जहाँ उन्होंने धर्मोपदेश दिए थे वहाँ समाधियाँ बनाई गई एवं वृक्ष लगाए गए। और सम्राट अशोक जो 300 साल बाद में आए थे भगवान बुद्ध के, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे जगह पर जहाँ जहाँ भगवान ने उपदेश दिए हैं और कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है वहाँ पर स्तूप बनाए और वहाँ पर वृक्ष लगाए और ऐसी कोई मेमोरेबल चीज़ें बनवाई। यहाँ से उत्तर पूर्व में 500 ली की पदयात्रा करने के अनंतर मैं स्थानेश्वर पहुँचा। यह राज्य मध्यदेश में स्थित था। तो साथियों ये था वर्णन मथुरा का जो 7वीं सदी में युआनसांग ने अपने किताब में किया है और मैंने आपके लिए पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि इस वर्णन से ये लगता है कि 7वीं सदी में मथुरा में सारा बुद्धमय वातावरण था। सारे वहाँ के जो लोग थे ये बुद्ध की शिक्षा के इन्फ्लुएंस में थे। हालांकि ये बुद्ध धम्म जो है ये प्योर फॉर्म में नहीं रहा था, वो काफ़ी सारा बदल गया था। काफ़ी सारे कर्मकांड, पाखंड, पूजा, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी जो बुद्धा के शिक्षा के काफ़ी विपरीत है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डोमिनेंट वहाँ का जो फेथ था वो बुद्धिज़्म था। और इनके वर्णन में वो कहीं पर भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण के बारे में या उनकी जन्मभूमि की कोई मान्यता या उनके नाम से कोई उत्सव हो या कोई मेमोरियल प्लेस हो या कोई मंदिर हो ऐसा वो उल्लेख नहीं करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये मथुरा 7वीं सदी में बुद्धमय ही था पूरी तरह से। साथियों मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से मैं आपको ये इस विषय में
कुछ अहम जानकारी दे पाया हूँ हमारे इतिहास के बारे में, हमारे देश के इतिहास के बारे में, हमारे धर्म धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में। अगर आप ये इससे सहमत हो और आपको अच्छा लगे तो डू शेयर इन योर ग्रुप्स। जय हिंद साथियों।